आपने जलप्रपात तो बहुत देखे होंगे। जलप्रपात यानी जल का झरना, पहाड़ों से गिरता हुआ जल का झरना। लेकिन ये सतही चट्टानों में घर्षण से उत्पन्न हुई अग्नि और उससे फिर होने वाली स्लाइडिंग, उससे फिर फटने वाली पहाड़ियाँ, नरकने वाली पहाड़ी, और फिर उस पहाड़ी का एक तरह से भस्मीभूत होकर के नीचे गिरना, ये अद्भुत नज़ारा, अद्वितीय नज़ारा कभी कभी ही जीवन में देखने को मिलता है। ये एक अद्भुत प्रकृति की घटना और उसका एक प्राकृतिक सामंजस्य आप देख रहे हैं। ये धरती सुलग रही है स्वतः ही सूर्य के वेग से, यानी कि चट्टान सूर्य की रश्मियों से ताप खा करके, सूर्य की ऊर्जा से गर्म हो करके ये बर्निंग सेंसेशन हो रहा है उस पर्वत चोटी पर, जो वर्जिन है, जो नो मैन लैंड है, यहाँ कोई जा नहीं सकता, यहाँ पहुँचना असंभव है। लेकिन ये अपने आप देख सकते हैं इसको कि कितनी ऊंचाई पर है ये, और ये फिर उसका एक ये ऊपर कहीं किसी प्रकार का थोड़ा सा कहीं कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, उसकी आवाज़ आप देख रहे होंगे। लेकिन ये काफ़ी नीचे है, लगभग आप मान के चलें कि लगभग 1000 फीट नीचे होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, जहाँ ये स्वतः ही बर्निंग सेंसेशन सूर्य की किरणों से हो रहा है और बहुत सारी बजरी फिर शरीर होकर के वो पूरा ढह करके नीचे जाकर जमा हो गई है, गिर रही है। ये आपने देखा होगा, पूरा एक तरह का बजरपुर या बजरी का ढेर, और इसमें लगातार ये ऊपर से होने वाला क्षरण और ये क्षरित होकर के धरती नीचे गिर रही है। क्या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देहरादून आप देख रहे हैं यहाँ से, ये देहरादून शहर का दृश्य, और ये मसूरी में क्यारकुली भट्टा स्थित स्थान, जहाँ का मैं आपको ये एक माइन स्लाइड, इसको क्या कहेंगे, माइन लैंडिंग कहें कि पर्वत शरण कहें कि प्रकृति का एक नज़ारा कहें, जो बहुत कम देखने को प्राप्त होता है, ये आप देख पा रहे हैं कि कैसे सतही चट्टानों में एक घर्षण पैदा होकर के अग्नि सी प्रदीप्त हो गई है, और वहाँ से फिर एक धुएं का गुबार उठ रहा है, और जो चट्टान का जो हिस्सा है वो क्षरित होकर के, यानी कि धूल बन करके, मिट्टी रेत बन करके नीचे जा करके इकट्ठा हो रहा है, नीचे जा करके एकत्रित हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये उसका ढेर लग रहा है नीचे, और ऊपर से चट्टान में स्वतः ही, ना किसी व्यक्ति की कोई कारगुजारी है, ना कुछ है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो सूर्य का ताप है, उस ताप से इस कोयले से संबंधित पहाड़ में एक तरह की अग्नि प्रदीप्त हो गई है, और वो अग्नि ही इसको चट्टान को शरित कर रही है। ये प्रकृति की अपनी रचनाएं, प्रकृति की अपनी गतिविधियां, और प्रकृति के अपने वर्तुल। ये अचानक इधर घूमने आना हुआ तो ये दिखाई दे गया, और इसको हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया, वरना कहां कहां क्या क्या कितनी तरह की घटनाएं स्वतः ही कुदरती ढंग से होती रहती हैं। दूर दराज के जंगलों में, दूर दराज के हिमालयों में, दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत तरह की ऐसी घटनाएं, बहुत तरह की ऐसी गतिविधियां जो ईश्वर प्रदत्त हैं, जो प्रकृति प्रदत्त हैं, स्वतः ही चलती रहती हैं, और वो सब एक तरह का नियमन ही है प्रकृति का। कुदरत का अपना एक निज़ाम है, कुदरत की अपनी एक संरचना है, कुदरत का अपना एक प्रबंधन है, और वो धीरे धीरे ऐसे होता रहता है। ये आश्रम परिसर से लगभग 1000 मीटर की दूरी पर, 1 या 1500 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई पर्वत श्रृंखला, और उसमें होता हुआ ये प्राकृतिक एक क्रियाकलाप। और अब ये थोड़ी देर की गतिविधि के बाद लगभग शांत प्रतीत हो रहा है। अब ये शांत है,
और एक अच्छी खासी बजरी जैसे हम मशीन से भी ना बना सकें उस तरह का ढेर एक नीचे एकत्रित हो गया है स्वतः ही। फिर थोड़ा सा बुदबुदाहट हुई, फिर थोड़ी सी बुदबुदाहट हुई जैसे कोई अग्नि प्रदीप्त हो रही हो, और फिर से थोड़ा सा एक जैसा सुन रहे होंगे हल्की हल्की आवाज़ जैसे बहुत सूक्ष्म कोई विस्फोट हो रहा हो अंदर ही अंदर। ये ज्वालामुखी भी कुछ इसी तरह से बनते हैं, और ज्वालामुखी कुछ इसी तरह जब धरती के अंदर होती हैं ये गतिविधियाँ तो ये ज्वालामुखी के रूप में कालांतर में ज्वालामुखी बनकर के प्रकट होती हैं, और जब ये धरती के जैसे लावा बनकर के ऊपर उठती है तो ज्वालामुखी के रूप में बन जाती हैं, और फिर इन्हीं के प्रभावों से हमें भूकंप जैसी गतिविधियों को देखना और समझना और अनुभव करना पड़ता है। जैसे ही हमने कहा कि शांत हो गया वैसे ही लगभग शांत नहीं हुआ, फिर से वहाँ कुछ हल्के हल्के विस्फोट की धीमे धीमे जैसे कोई प्राकृतिक आतिशबाजी हो रही हो और उसमें से कुछ छोटे छोटे भूस्खलन भी हो रहा है। धूल धूसरित पत्थरों के चट्टानों के हिस्से वो भर भरा कर नीचे जमींदोज हो रहे हैं, नीचे धरती का आलिंगन कर रहे हैं। कुदरत का ऐसा दृश्य जो संभवतः जीवन में कभी एक आध बार ही देखने को प्राप्त होता है। मैं स्वयं भी ये दृश्य इस तरह से खड़ा होकर के पहली बार देख रहा हूँ, और फिर मन में आया कि इसको क्यों ना हम इसका एक वीडियो बना लें छोटा सा, और आप लोगों को भी ये दृश्य हम दिखाएं कि किस तरह से कुदरती नज़ारे कुदरत की गतिविधियाँ अपने आप होती रहती हैं। वर्षा ऋतु में हमने बहुत भूस्खलन देखा है, बारिशें होती हैं तो पहाड़ जल पी करके भारी हो जाते हैं और फिर वो नीचे गिरते रहते हैं, उसको हम लैंडस्लाइडिंग बोलते हैं। लेकिन ये सूखा भूक्षरण पहली बार हम भी देख पा रहे हैं, और आप भी देख रहे होंगे कैसे जैसे धुएं का गुबार हो लेकिन ये मिट्टी का गुबार है, और ये काफ़ी ऊपर तक गगनचुंबी आकाश को चूमता हुआ ऊपर पर्वत श्रृंखलाओं तक जाता हुआ, और धीरे धीरे कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं जैसे कभी सुलगने में से कुछ आवाज़ें आती हैं, कोई चीज़ जब कहीं सुलगा दी जाए उस तरह की आवाज़ें आती हैं। भौतिकी के जो सूक्ष्म अनुसंधान हैं, जो शोध की प्रक्रियाएं हैं और जो रिसर्च के हिस्से हैं वो लगभग इसी तरह की गतिविधियों को पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारी घटनाओं के कारक के रूप में चिन्हित करते हैं, और थोड़ा सा जहां ये चल रहा था वहां की लगभग वो एरिया भी ऐसा लग रहा है जैसे बर्न हो गया हो, क्योंकि सनलाइट पर्वतों पर तीव्र होती है, यहाँ तेज़ धूप की रश्मियाँ होती हैं, यूवी किरणों के साथ सूर्य होता है, और ये जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं ये कार्बनिक हैं, इनमें थोड़ा सा कोयले का अवयव समाहित है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य के ताप से ही ये ऐसा हो रहा है, और ये स्वतः ही मिट्टी आपस में घर्षण करके एक सूक्ष्म विस्फोट को उत्पन्न कर रही है। ये होने वाली इधर गतिविधि जो लगभग उत्तर दिशा में, और यहाँ आप देखेंगे तो थोड़ा सा हम मूव करते हैं आग्नेय कोण की तरफ, और आग्नेय कोण की तरफ देहरादून से बिल्कुल ऊपर उदित होता हुआ सूर्य दिन के लगभग 12 बजे का समय, और ये प्राकृतिक नज़ारा, ये प्रकृति की घटना। ये धरती में ताप का परिणाम आप देख रहे हैं, तो दूर दराज की हिमालय की वादियों में पर्वत श्रृंखलाओं में कितनी कुछ गतिविधियाँ कितनी कुछ चीज़ें स्वाभाविक तौर पर चलती रहती होंगी, और हम बहुत बार प्रकृति के इन दृश्यों से अछूते रह जाते हैं,
संभवतः जीवन पर्यंत इस तरह की चीज़ें हम नहीं देख पाते कि कुदरती तौर तरीके कैसे अपनी संरचनाओं को चलाते हैं और कैसे चीज़ें बदलती हैं और स्वस्फूर्त ढंग से बहुत सी गतिविधियां इस धरातल पर होती रहती है, इस धरती पर होती रहती है। बहुत ही खूबसूरत कहें, रोमांचक कहें, अद्वितीय कहें और अदर्शनीय भी कहें, यानी जैसे दृश्य हम जीवन में नहीं देख पाते। भूस्खलन आपने देखे होंगे, जलस्खलन भी देखे होंगे। अभी जो रेत गिर रहा है, अभी जो ये मिट्टी गिर रही है, जो ये सूखी हुई चट्टान का हिस्सा भरभरा करके नीचे जा रहा है, ये बिल्कुल ऐसा दृश्य पैदा कर रहा है जैसे धवल और श्वेत जल का प्रपात, जल की रश्मियाँ धरती का आलिंगन कर रही हों। लेकिन ये इस बार मिट्टी का क्षरण है, ये इस बार रेत का, बजरी का क्षरण है, पर्वत का क्षरण है। या हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक ये पर्वत उस धरती के उस भाग को, जिसको अपनी प्रेयसी के रूप में बहुत समय से निहारता रहा हो, देखता रहा हो, उसकी प्रतीक्षा करता रहा हो, और आज व्याकुल होकर के और संतापना सह करके आज उससे मिलन के लिए बेताब हुआ हो। और ये होता है फिर प्रेम में कि आपको भस्मीभूत होना होता है, आपको थोड़ा नीचे जाना होता है, थोड़ा झुकना पड़ता है, थोड़ा सा अपने अहंकार को छोड़ना होता है और थोड़ा सा गलकर, थोड़ा सा गिरकर, थोड़े से झुककर ही आप फिर अपने प्रेमी को पा पाते हैं, मिल पाते हैं। धरती और पर्वत दोनों का एक सुंदर मिलन और दोनों का अपने अस्तित्व का क्षरण भी, यानी कि अपने अहम को त्यागे बिना, अपने अहंकार को खोए बिना मिलन असंभव है। चाहे वो स्थूल चीज़ों का हो और चाहे वो प्रकृति का समन्वय हो, चाहे ईश्वरीय ऊर्जाओं की बात हो और चाहे जीवन में सामान्य चेतनाओं की बात हो। निरंतर हो रहा है ये, काफ़ी देर से 10-15 मिनट से हम देख रहे हैं इसको, और ये बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा है और आप इसे देख पा रहे होंगे काफ़ी नीचे पर्वत की तलहटी में। सूखी आग और मिट्टी का धुआं, ये नज़ारे, ये दृश्य, ये अनुभव अद्वितीय, अकल्पनीय, अविस्मरणीय, अभूतपूर्व। बहुत बार बहुधा जंगलों में आग भी शायद ऐसी ही लग जाया करती होगी। बहुत बार मानवीय भूलों से लगती है, मनुष्यों की भूल चूक से लगती है, और कभी कभी मुझे लगता है कि अगर यहाँ कोई ऐसी पदार्थ होता इसके आसपास, जो कोई कागज़ या प्लास्टिक या कोई ऐसी चीज़, तो उससे वो अग्नि भी शायद प्रदीप्त हो जाती, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है, इसका जो ताप है, वो ऐसा ही लग रहा है जैसे इस मिट्टी के, इस पर्वत के इस क्षेत्र में सूक्ष्म अग्नि प्रदीप्त हो रही है। काली सी रेखा दिख रही है बीच में, और वो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे वहाँ एक छोटी सी आग लगी है और सुलग रहा है ये, और सुलग करके फिर ये क्षरित होकर के नीचे गिर रहा है। तो पर्वतों पर आने वाले जितने पर्यटक हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले जितने निवासी हैं, उनसे हम सदा सर्वदा आग्रह करते रहे हैं और पुनश्च ये अपना निवेदन आपको रिपीट कर रहे हैं कि कभी भी पर्वतों पर कोई प्लास्टिक, कोई कागज़, कोई ऐसा कचरा, कोई ऐसी चीज़ ना डालें। उससे क्या होगा कि कई बार प्रकृति के अपने जो प्राकृतिक अवयव हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनमें हम किसी न किसी तरह उनको दुर्घटनाओं में बदलने के भी भागी हो जाते हैं, बदलने के भी जिम्मेदार हो जाते हैं। तो अगर इसके आसपास में कोई कागज़ पड़ा होता, कोई प्लास्टिक पड़ी होती, कोई ऐसा कचरा पड़ा होता, तो ये अग्नि में परिवर्तित हो सकता था। फिर जंगल की आग को आप जानते, समझते और सुनते रहे हैं हमेशा। देखिए ऊपर तक इसका, ये मिट्टी का धुआं है। आपने आग का धुआं बहुत सुना होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा रेत, ये पूरा एक लहर बन करके आकाश को चूम रहा है, ऊपर तक जा रहा है। बिल्कुल जहाँ तक ये इमारत बनी हुई है कोने पर, वहाँ कुछ निर्माण भी चल रहा है, उसकी आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ड्रिलिंग की, वहाँ तक जा रहा है ये पूरा धुआं। आए तो हम कुछ और करने थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये हमें प्रकृति ने इसी के लिए बुलावा भेजा कि ये दृश्य हम देख भी पाएँ और इसको हम इस कैमरे में कैद भी कर पाएँ
और आप लोगों तक भी इसको भेज सके। ये फिर से थोड़ा तीव्र हुआ, फिर से ये कि जैसे बहुत अंदर ही अंदर कोई अग्नि सुलग रही है, और फिर से ये उठा धुएं का, धुआं क्या, मिट्टी के धुएं का गुबार, मिट्टी का धुआं। देखिए अग्नि का धुआं तो हम प्राय जीवन भर देखते सुनते और पढ़ते और समझते रहे हैं, लेकिन यह है मिट्टी का धुआं। ये धूल का प्रपात, आपने जल प्रपात शब्द बहुत सुना होगा, लेकिन ये है धूल का प्रपात, पर्वतीय चट्टानों की धूल। दूर दराज बैठे हुए किसी को कुछ पता भी नहीं कि क्या घटना कहाँ घट रही है, और ये प्रकृति अपने ढंग से इस चीज़ को अंजाम दे रही है। अच्छा खासा ट्रको मलबा नीचे इकट्ठा हो गया है, बजरी के रूप में, रेत के रूप में, और ये निरंतर हो रहा है। शायद हमारे आने से पहले से ही चल रहा होगा, हम तो उसकी बुदबुदाहट सुन करके रुक गए, और जब रुके तो लगा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा हम इसकी फिल्म बना लें। बस ये उड़ता हुआ रेत, ये लग रहा है जैसे धुआं है, लेकिन ये सारा का सारा मिट्टी है, और ये मिट्टी जाती हुई ऊपर तक। ये भगवान शंकर आश्रम मसूरी के परिक्षेत्र का स्थान है, और वहाँ ये निरंतर शरण हो रहा है, जो सूर्य की ताप से पिघल करके पर्वत धरा को चूम रहा है। आप थोड़ी सी इसकी आवाज़ सुन रहे होंगे, चहचहाहट की, जैसे थोड़ा सा कहीं अग्नि में से आवाज़ आती है और लकड़ियाँ जलती हैं, उस तरह की इसमें से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ये पीछे कोई एक मशीन चल रही है, वो उसकी आवाज़ को थोड़ा सा प्रभावित कर रही है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो इसकी आवाज़ एक बिल्कुल अलग तरह की आवाज़ है, जैसे प्राय अग्नि लगने में या कहीं बहुत सारे लकड़ी के ढेर में आग लगा दी जाए, तब उसमें से वो आवाज़ आती है लकड़ियों के छटकने की। कितना ही सीना ऊँचा करके पर्वत खड़े हों, कितने ही गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाएँ हों, कितने ही आकाश को चूमते हुए पर्वत शिखर हों, लेकिन सूर्य सभी के पिता हैं, और पिता की दृष्टि अगर वक्री हो, पिता की दृष्टि अगर तीव्र हो, तो बड़े बड़ों का अहंकार धूल धूसरित होता है, बड़े बड़े घमंड स्वतः ही भस्मीभूत होकर के धरा को चूमने लगते हैं, धरती पर गिर जाते हैं। ये एक प्राकृतिक संरचना सूर्य के वेग से, सूर्य के ताप से, सूर्य की किरणों से, पर्वत श्रृंखला में विस्फोट, और विस्फोट के बाद सूर्य के ताप से ही पर्वत श्रृंखला का क्षरण, धरा पर गिरते हुए पहाड़ी के छोटे छोटे से कण, जो रेत बन करके, मिट्टी बन करके लगातार जलप्रपात की तरह, जल की धारा की तरह नीचे के स्थान को, धरती के नीचे वाले स्थल को चूम रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं और वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास से हम कभी बचपन में, जब हम फिजिक्स के विद्यार्थी हुआ करते थे, तो कक्षाओं में देखते थे कि वो एक ब्लॉटिंग पेपर पर, एक सही सोखते पर आग लगती थी, जब उसको पर्टिकुलर एक जगह पर सूर्य की किरणों से, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जब वो परिमार्जित होकर के, परिष्कृत होकर के, और सातों रंगों को भेदते हुए, इंद्रधनुष रंगों को भेदते हुए उस कागज़ पर गिरती थी, तो वहाँ आग लगा देती थी। लगभग कुछ इसी तरह की प्राकृतिक घटना ये, लेकिन ना यह कागज़ है, ना यह सही सोफ्ता है, ना ही किसी प्रकार का मैग्नीफाइंग ग्लास है। है तो सूर्य, है तो पहाड़, उसको घेरे हुए आच्छादित प्रकृति, चारों ओर विस्तारित पर्वत श्रृंखलाएँ, मसूरी उत्तराखंड का क्षेत्र, आकाश पर विद्यमान सूर्य जो वहाँ से सब कुछ देख रहे हैं, यहाँ तक कि हमें भी, और हमारा एक ये अद्वितीय पल कि हम इस घटना के
साक्षी हो सके, इसको देख सके और इसको आपको दिखा भी सके। यह भी संगति जीवन के द्वार बार बार रोई, बाह में है और कोई, चाह में है और कोई। बराबर में खड़े हुए हरितिमा लादे हुए बहुत सुंदर वृक्ष और आच्छादित प्रकृति, लेकिन वरण है अग्नि का, वरण है अग्नि का, और अग्नि के वरण के लिए स्वयं को भी भस्मीभूत हो जाने की तीव्र आकांक्षा। भले ही मिट्टी बनकर धरती पर जा मिलें, लेकिन अग्नि से साक्षात्कार करना जरूर है। और यही परिमार्जन का सिद्धांत है, यही परिष्कृत होने की एक विधा है, और यही अपने शुद्धतम स्वरूप में बदल जाने का एक कीमिया भी। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।